जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आता जाता है, हमारी बहनें हमारी बेटियां परेशानी में मुबतला होती हैं, एक फ़िक्र में मुबतला होती हैं कि रब्बे करीम हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए और हमारा केस जो है वो नॉर्मल हो जाए, बच्चा सेहतमंद हो जाए और आसानी के साथ पैदा हो जाए। तो आपकी खिदमत में एक कुरानी अमल आज पेश कर रहा हूँ, इसको मेरी तरफ़ से हदिया समझकर आप इसको कबूल फरमाएँ। यकीनन ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है और 100% ये मुजर्रब अमल है, और ये अमल तब भी असर करता है अगरचे पिछली मर्तबा बड़ा ऑपरेशन भी हो गया हो, अल्लाह ताला तब भी इसकी बरकत से केस को नॉर्मल फरमा देते हैं। तो ये अमल नोट कर लीजिए, सूरतुल इंशिकाक है ये 30वें पारे में, और उसकी सिर्फ 2 आयतें हैं, और वो 2 आयतें आप इस तरीके से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदस समाउ शक्कत व अदनत लिरब्बिहा व हुक्कत, बस ये 2 आयतें हैं। इन 2 आयतों को 11 मरतबा पढ़कर किसी खाने वाली चीज़ के ऊपर दम करके आप हमारी इस बहन को खिला दें जो कि अपने केस की वजह से परेशान है। और इसके साथ साथ इन्हीं 2 आयतों के आप 7 अदद तवीज़ बना लें और रोज़ाना एक तवीज़ इसको चटाएं, या फिर पानी में इसको मिक्स करके आप इस हमारी बहन को पिला दें। और पढ़ने वाला जो वजीफ़े वाला अमल है वो सिर्फ 11 दिन आप कर लें, अल्लाह की मेहरबानी और तौफीक से इंशाअल्लाह केस 100% नॉर्मल होगा। ये हमारा आजमाया हुआ मुजर्रब है, उलमा का आजमूदा है, हज़ारों लोगों का ये आजमूदा है, आप भी इसको ज़रूर आजमाएँ, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वस्सलाम।